कि पत्नी के बाम भाग में बैठाया जाता है, ऐसा क्यों? बाम भाग का क्या तात्पर्य है? बाम भाग में ही क्यों, दाएं भाग में क्यों नहीं बैठाया जाता? देखिए, एक नियम है, जब भी हम जैसे गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, किसी भी मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो हम ठाकुर जी को, मंदिर को अपने दाईं तरफ रखते हैं और स्वयं उनके बाईं तरफ होते हैं। तो होता यह है कि उसी का नाम है प्रदक्षिणा। दक्षिण कहते हैं दाएं अंग को और बाएं अंग को कहते हैं बाम। इसलिए स्त्री का एक नाम बामा है। और एक बामपंथी भी होते हैं, तो बाम का अर्थ उल्टा भी होता है। जैसे हमारा हाथ, इसको हम सीधा हाथ कहते हैं, सब काम हम सीधे हाथ से करते हैं, लिखते सीधे हाथ से हैं, और इसको हम उल्टा हाथ कहते हैं। तो बाम का अर्थ उल्टा भी होता है, क्योंकि ये उल्टा हाथ है, ये सीधा हाथ है। इसलिए बामपंथी है वो जो सनातन धर्म से उल्टे चलते हैं, इसलिए हम उनको बामपंथी कहते हैं। उल्टे हैं लोग। लेकिन यहाँ बाएं का अर्थ स्त्री जो है वो उल्टी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ठाकुर जी की जब हम परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, तो हम अपने पूजनिया को, जो अपने से श्रेष्ठ हैं, जिनको हमने सर्वस्व समर्पित किया है, जो हमारे बड़े हैं, तो उनको हम दाईं तरफ रख करके उनकी परिक्रमा करते हैं और स्वयं उनके बाईं तरफ होते हैं। तो बाईं तरफ होने का मतलब शक्ति प्राप्त करना, और दाईं तरफ का मतलब बड़े हैं, उनसे हमको शक्ति मिलेगी। तो इसलिए स्त्री अपने आप को पति के समर्पित करती है, और माता पिता भी कन्या दान करते हैं, पति के हाथ में समर्पण करते हैं। इसका मतलब पति का दर्जा बड़ा वो लेने वाला है, और पत्नी जो है अपने समर्पित करने वाली है, माता पिता वो दाता हैं, वो देने वाले हैं। तो ये है, तो दिया किसको जाता है? वर को। वर कहते हैं संस्कृत में श्रेष्ठ को। तो माता पिता को जो भी अपनी बेटी से 21 लगता है, 19 नहीं 21 बढ़ करके, तो श्रेष्ठ को ही हम देते हैं। तो संस्कृत में वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो जो श्रेष्ठ हैं, उनसे हमको शक्ति प्राप्त करनी है, कृपा प्राप्त करनी है, उनका प्रेम प्राप्त करना है, है ना? तो फिर क्या करें? तो उनको दाईं तरफ रखो और अपने आप स्वयं बाईं तरफ। तो उधर से इधर, जैसे घड़े से हम पानी जब लेते हैं ना, तो गढ़ा ऊपर की तरफ होगा और हमारा लोटा या गिलास वो नीचे होगा, तो ऊपर से नीचे आएगा। तो हमेशा देने वाला ऊपर होता, लेने वाला नीचे, एक नियम है। और इसी प्रकार ये तो हो गया ऊपर नीचे का। अब दाएं बाएं का, हमेशा देने वाला बाईं तरफ होता है, माने लेने वाला बाईं तरफ और देने वाला दाईं तरफ। तो पहले ज़माने में होता ये था कि स्त्रियां नौकरी सर्विस आदि कुछ नहीं करती, कमाती नहीं, तो केवल घर में रहती थी, बच्चों का लालन पालन पोषण करती थी। तो कमा के कौन लाते? तो पति कमा के लाते। तो पति का लालन पालन पोषण का पूरा उत्तरदायित्व पति का है। तो पति कमाता है, वो पत्नी को देता है, और पत्नी लेकर के फिर परिवार में उसका पालन पोषण करती है। तो पत्नी पति से लेती है, तो उनकी कृपा लेती है, उनका प्रेम लेती है, और उनकी कमाई लेती है, और पूरा फिर घर को संभालती है। तो जो दर्जा है वो हमारे यहाँ पति का बड़ा दर्जा है, पत्नी का दर्जा उससे छोटा है। तो हमेशा हम बड़े के बाईं तरफ रहते हैं, और जो हमारे बड़े हैं उनको हम दाईं तरफ रखते हैं। ये उनका सम्मान होता है दाईं तरफ रखने से। इसलिए मंदिरों में परिक्रमा भी जब करते हैं तो दाईं तरफ रख कर, क्योंकि हम उनसे कुछ शिक्षा, माने कुछ शक्ति, कुछ पावर, कुछ कृपा लेने के लिए। तो दूसरा वैज्ञानिक कारण है कि हर वस्तु से एक सूक्ष्म तरंगे निकलती हैं, भाव तरंगे निकलती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव तरंगे निकलती हैं। तो भगवान में, मंदिर में, महापुरुषों में नेगेटिविटी तो उतनी, वहाँ तो पॉजिटिव है। तो वो पॉजिटिव इस हर समय प्रसारित होता रहता है शरीर के अंदर से। वो जब कोई ग्रहण करता है उनकी पॉजिटिविटी, कोई ग्रहण करना चाहे तो उनको दाएं रख करके स्वयं बाएं होकर के उनके चारों तरफ चक्कर लगाए। इसी का नाम है प्रदक्षिणा, इसी का नाम है परिक्रमा। तो जब हम इस प्रकार से परिक्रमा करेंगे तो उनकी जो पॉजिटिविटी है वो हमारे अंदर आएगी, हम ग्रहण करेंगे। तो हम ग्रहण तभी कर पाएंगे जब हम उनसे बाईं तरफ होंगे और वो दाईं तरफ, क्योंकि इस ढंग से वो तरंगे प्रसारित होती है। जो बाईं तरफ वाला ही उसको ग्रहण कर सकता है, यदि दाईं तरफ रख करके करेगा तो ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए हम अपने श्रेष्ठ को दाईं तरफ रखते हैं और हम उनके बाईं तरफ होकर के उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए बायां। और तीसरा बात है कि पत्नी का पूर्ण अधिकार होता है प्रेम के ऊपर।
श्रृंगार प्रेम, और प्रेम हमेशा हृदय में, दिल में है, और दिल होता है बाईं तरफ। तो दिल के ऊपर पत्नी का पूरा अधिकार, मतलब प्रेम के ऊपर पत्नी का पूर्ण अधिकार, संपूर्ण अधिकार है। औरों से हम एक एक दो दो तीन तीन प्रकार का प्रेम करते हैं, लेकिन पत्नी से हम हर प्रकार का प्रेम करते हैं। इसलिए और वो प्रेम का जो हृदय है वो है बाईं तरफ, इसलिए दिल की तरफ पत्नी को रखा जाता है। और भी इसके बहुत से कारण हो सकते हैं।